हेयरफॉल से जुड़े काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस को आज आंसर करेंगे। सो सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि हेयरफॉल क्यों होता है। सो हेयरफॉल होने की काफ़ी वजह है। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल स्ट्रेस मतलब वर्क स्ट्रेस, एनवायरमेंटल रिलेटेड स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, उसकी वजह से बाल झड़ सकते हैं। इंटरनल स्ट्रेस अगर आपकी बॉडी में कोई चेंजेस हुए हैं, लाइक यू नो अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, अगर हार्मोन फ्लक्चुएशंस हैं, तो बाल झड़ना काफ़ी कॉमन है। देन अगर आप किसी लंबी बीमारी से गुजरे हैं या कोई स्ट्रेसफुल सर्जरी हुई है, तो उसमें बाल झड़ना काफ़ी कॉमन है। जैसे हमने सुना था कि कोविड के बाद यू नो काफ़ी लोगों के बाल झड़े हैं, एंड ऑल्सो प्रेगनेंसी के बाद पोस्टमार्टम पीरियड में बाल झड़ना काफ़ी कॉमन है। सो आपके साथ ये क्यों हो रहा है, उसके लिए एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन ज़रूरी है जो आपका डॉक्टर आपको करेगा, एंड वो आपको एग्जैक्टली बता पाएगा कि कॉज क्या है और आपके केस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन है कि हेयरफॉल को कम कैसे करें। सो हेयरफॉल को फर्स्ट कम करने के लिए उसका कॉज आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़रूरी है कि अगर उसका कॉज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है तो हम उसको करेक्ट करेंगे, अगर हार्मोनल इश्यूज हैं तो उसको फिक्स करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू फिक्स द कॉज। वंस वी हैव आइडेंटिफाइड द कॉज, हम उसका ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेइंग आज की पॉपुलेशन में बहुत बढ़ रही है और क्यों बढ़ रही है। सो हाँ, हम देख रहे हैं कि यंग पॉपुलेशन में वाइट बाल काफ़ी जल्दी आ रहे हैं। इसका मेन कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन बी इंटरनल एंड कैन बी इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल में जो पोल्यूशन है वो काफ़ी हद तक इसको इम्पैक्ट कर रही है। नाउ ग्रेइंग को हम 100% ट्रीट नहीं कर सकते हैं, इसको 100% रिवर्स नहीं कर सकते हैं, बट डेफिनेटली कुछ सीरम्स हैं, कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो अगर आप स्टार्ट करेंगे तो इसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी। एंड स्मूथनिंग ट्रीटमेंट्स आजकल काफ़ी लोग इनको करवा रहे हैं, बट क्या आपको करवाना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। इनमें एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड, वो एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है। तो जब वो आप ट्रीटमेंट्स करवाते हैं उसके बाद बहुत हेयरफॉल होता है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं जो ये ट्रीटमेंट्स करवाते हैं और उसके बाद उनका हेयरफॉल काफ़ी बढ़ जाता है। सो आई वुड एडवाइज़ कि जितना कम से कम हो उतना ही ये ट्रीटमेंट्स करवाइए।